दुबई में स्थित अटलांटिस रिजॉर्ट दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव होटलों में से एक है। इस होटल की भव्यता देखते ही बनती है। यह होटल पाम जुमेरा के टॉप पर स्थित है। यह लग्जरी होटल अरब की संस्कृति को अपने आप में समेटे हुए है। इस होटल में 1548 कमरे अलग अलग थीम लिए हुए हैं। अटलांटिस होटल के सामने का बीच यानी समुद्र तट 1.5 किलोमीटर लंबा है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना लंबा है। अटलांटिस होटल को बनाने में 58,000 किलोमीटर के बराबर की स्टील की रोड का इस्तेमाल किया गया है, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लंबाई से भी कई गुना अधिक है। इसको देखते ही आपको समझने में देर नहीं लगेगी कि यह आधुनिक निर्माण और वास्तुकला की अद्भुत मिसाल है। पूरे अटलांटिस होटल की दीवारें, फर्श, इसमें मौजूद फव्वारों को बेहतरीन पत्थरों और संगमरमर से बनाया गया है। इसमें लगभग 2,250 टन पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। और शाम में जब रोशनी होने के वक्त होता है तो अटलांटिस होटल में इस्तेमाल करी गई लगभग 1,00,000 लाइट का इस्तेमाल करा जाता है। अटलांटिस रिजॉर्ट का आकर्षण का केंद्र इस होटल की लॉबी है। 18 मीटर ऊंची लॉबी के बीचों बीच लगभग 10 मीटर ऊंची शीशे से बनी हुई ये झूमर है, जो 3,000 छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई है। हर टुकड़ा अलग अलग क्रिस्टल से बनाया गया है, जो अलग अलग दुबई लाया गया है और लॉबी में लगाने के लिए बेहतरीन कारीगरों द्वारा एक एक करके जोड़ा और सजाया गया है। इस शानदार पीस को अमेरिका के मूर्तिकार डेल ने बनाया है। अटलांटिस होटल में हर कमरे में रहने वाले मेहमान को एक ख़ास दृश्य मिले, इसका बहुत ख्याल रखा गया है। सब कमरों को बेहतरीन दृश्य मिलता है, लेकिन इनमें से कुछ बहुत ही ख़ास दृश्य वाले कमरे भी हैं। अटलांटिस रिजॉर्ट के सिग्नेचर सुइट में से द रॉयल ब्रिज सुइट में रहते हुए मेहमान को दुबई का 360 डिग्री दृश्य मिलता है। ज़रा सोचिए, पूरा दुबई एक कमरे में बैठे बैठे। इस कमरे की एक रात रुकने की कीमत $35,000 तक है।